सरकार कोटा में रह के आज पूरी दुनिया में नाम फेमस किया है। बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है। क्या नाम है आपका? पन्नो सरपट। पन्नो सरपट बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, ऐसा इसका खुद का मानना है। इसका काम देखे अब हम भी मानने लगे हैं। बंदा दिल का साफ है और दिमाग का भी साफ। हम कहाँ पर है? कहाँ है? क्या नाम है इस जगह का पता है? हाँ, क्या है? लव एंड लाते। अच्छा, पता है? हाँ। वो क्यों? भैया कॉफी पीने के बाद हाँ अगर पैसा दिया हाँ तो आपको लव मिलेगा, हाँ, और अगर पैसा नहीं दिया हाँ तो लाते। लव एंड लाते। ओह माय गॉड। तुम लड़की को ही लाते ना? नहीं बाबू, इसलिए पढ़ती तेरे को लाते। लव एंड लाते। भैया अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि अक्षय कुमार साहब की राम सेतु भी इसलिए चल गई क्योंकि वो साउथ की रीमेक है? हाँ, साउथ में एक फिल्म आई थी ना सेतु, तो लोगों को लगता है ये सेतु की पार्ट टू है, राम सेतु। कमाल के नेगेटिव लोग हैं। अक्षय भैया जो भी होता है अक्षय के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, टेंशन मतलब आप राम सेतु की पार्ट टू बनाओ, आरोग्य सेतु। ये जितने भी नेगेटिव है ना सब पॉजिटिव हो जाएंगे। रिव्यू। दोस्तों इस वक्त कर्नाटक में आ गए हैं और मेरे साथ में अलका याग्निक जी हैं। जी बिल्कुल। अलका जी बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। थैंक यू। और मतलब कौन नहीं आपका, मोदी जी तो आपके ज़बरदस्त फ़ैन हैं, आपको अलका जी की जगह अलकाजी बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़े फैन। तो चश्मा उतारे ना प्लीज़। अलका याग्निक जी का देखिए चश्मा उतारे। अरे हमने तो हल्का याग्निक समझते, ये तो हल्का याग्निक निकली। हल्का जी, हल्का जी टाइम वेस्ट कर दिया। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि फिल्म फोन भूत में कैटरीना कैफ इसलिए चुड़ैल अच्छी लगी, बिल्कुल नेचुरल लगी, क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने विदाउट मेकअप की है, पूरी फिल्म में मेकअप नहीं की, इसलिए वो नेचुरल चुड़ैल भूत लगी। कौन ऐसे फालतू के अफवाहें फैलाते रहता है अपने छोटे से ह्यूमर के लिए? ऐसा रूमर फैलाना शर्मानी चाहिए तुम लोगों को। कैटरीना कैफ बहुत खूबसूरत है, चुड़ैल नहीं तो क्या हुआ। एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया था, मैंने बहुत सारे डायलॉग बोले, वो उनको पसंद नहीं आया, फिर मैं चिड़चिड़ा हो गया, फिर कुछ सुनाया, फिर उनको पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने उनको बहुत सुनाया, 15-20 गालियाँ देखी। मैं वहाँ से निकला तो रास्ते में मुझे उनका फ़ोन आया, बोले आपने हमको 15-20 गालियाँ दी। मैंने कहा सॉरी, सॉरी की बात नहीं, मेन रोल आपको दिया जाता है, मेन रोल आप करेंगे, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा क्या? बोले वेब सीरीज के डायलॉग भी आप ही को लिखने पड़ेंगे, समझ के। साहब एक वेब सीरीज के बहुत बड़े स्टार को उसका फैन मिला, उसने कहा साहब मैंने आपकी सारी वेब सीरीज देखी है, आपके एक एक डायलॉग मुझे याद है। स्टार ने अकड़ के कहा अच्छा तो सुनाओ दो चार डायलॉग। तो फैन ने दो चार गालियां ले ली, समझ गए ना, वेब सीरीज का स्टार उसके फेमस डायलॉग, फैन ने दे दी गालियां। गाली बहुत समझदार हो। OTT की दुनिया से बहुत खास खबर आई है, बहुत खास खबर कि OTT पे जितने भी वेब सीरीज चलते हैं उसमें नंबर वन हीरो साबित हुए पंकज त्रिपाठी फ्रॉम ऑल OTT। पंकज त्रिपाठी फ्रॉम ऑल OTT, एक बिहारी सब पे भारी, जिनका असली नाम है पंकज तिवारी। वह त्रिपाठी का लौंडा छा गया, बहुत दूर जाएगा, मिर्ज़ापुर जाएगा, बहुत बढ़िया। एक मेरी तरह मजदूर टिफिन लेकर काम पर गया, जब भूख लगी तो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाने लगा, तो वेटर ने कहा साहब यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। तो मजदूर बोला भाई बाहर का खाना तो तू बेच रहा है, ये तो घर का खाना है। उल्टा चल कोतवाल को डांटे। भाई साहब अमू हाजी ये 60 साल के बुजुर्ग 60 साल तक नहीं नहाए थे, नहाए ही नहीं, 2 दिन पहले नहाए, दुनिया से चल बसे। भाई साहब कोरोना में ये कहा जाता था कि नहाओ 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 नहाओ, साफ सुथरा रहो तो कोरोना नहीं होगा, और ये आदमी नहाया तो चल बसा, इसका मतलब इसको कोरोना नहीं हुआ था, कोरोना का छोटा भाई मरोना हुआ था, जो 60 साल में एक बार होता है। 6 नवंबर को बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ आई है बॉलीवुड से।
हमारे प्यारे AR के घर पे मेहमान आया है। AR मेहमान, आलिया रणबीर के घर पे मेहमान आई है, प्यारी सी गुड़िया। तो बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है ये। 6 नवंबर को बहुत सारे लोग नाना बने और कुछ मामा बने, मुबारक। और सेट्टी साहब क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है, साउथ इंडियन इडली डोसा रखा है, क्या करेगा। साउथ का आदमी इडली भी खाएगा तो डोसा हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज है। स्टार बुक ऑनलाइन आईडी, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट, भरोसा भी सेफ्टी भी। हाय दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और एक न्यूज लाया हूँ कमाल और धमाल। आजकल हर कोई मुझसे पूछता है कि इतने सारे एक्शन चल रहे हैं, इनमें से भरोसेमंद और सेफ वेबसाइट कौन सी है? तो मेरा भरोसा है starbookonlineid.com पर, क्योंकि यह है इंडिया की बेस्ट एक्सचेंज, हाँ, जिसपे आप खेल सकते हैं 150 से ज्यादा ऑनलाइन गेम। वुड यू बिलीव इट, starbookonlineid.com लाखों लोगों का फेवरेट बुक है, जिस पर लाखों लोग गेम खेल रहे हैं और लाखों रुपए जीत भी रहे हैं। ये पूरी तरह से सेफ है और लीगलाइज भी है, भरोसेमंद। starbookonlineid.com में आपको आईडी सिर्फ 100 रुपए में बन जाती है और विड्रॉल भी तुरंत हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आईडी खोलने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। तो भैया, अगर आपको भी खेलना है ऑनलाइन गेम्स और जीतना है, तो भैया नीचे दिए हुए नंबर पे या तो व्हाट्सएप करो या तो टेलीग्राम से जुड़ो और बन जाइए शान से लखपति। स्टार बुक ऑनलाइन आईडी, भरोसा भी सेफ्टी भी।